ठीक है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए यह एक प्रतिमा आप देख सकते हैं कि हाथ में तीर धनुष है, बंदूक है और कुछ मांग का डॉक्यूमेंट्स जो है वह भी हाथ में है। यह किसी चौक चौराहे पर प्रतिमा नहीं है बल्कि एक गाड़ी पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर इस प्रतिमा को लगाया गया है। यह प्रतिमा किसकी है और इसके इस गाड़ी के ऊपर लगाने के पीछे का क्या मकसद है ये जानते हैं। क्या नाम है भैया आपका? सबसे पहले तो हम आपको जोहार करेंगे और समस्त श्रोतागण जो और या फिर जो व्यूवर्स हैं उनको विश्व आदिवासी दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो आप गाड़ी पर एक प्रतिमा देख रहे हैं ये कलाकार की एक अभिव्यक्ति है। ये कलाकार जिनका नाम दिलीप टोपो है उन्होंने अपने कलाकृति के माध्यम से लोगों में ये संदेश देना चाह रहे हैं कि आदिवासी और आदिवासियत पर जो कुठाराघात हो रहा है, संविधान ने उनको CNT SPT एक्ट दिया है, उनके पास खतियान है, फिर भी आए दिन उनकी ज़मीन और उनकी आज़ादी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हम देख रहे हैं। और विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर उनकी द्वारा बनाई गई एक आदिवासी व्यक्ति की ये प्रतिमा है जिसको लेकर हम चौक चौराहे पे जा रहे हैं, लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि आदिवासी व्यथित है और उनकी व्यथा को सुनी जाए, क्योंकि वो जो भी उनके डिमांड्स होते हैं वो न्याय संगत हैं और लेकिन संविधान में उनके अधिकार निहित होने के बावजूद उनके संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार किया जाता है। ऐसी चीज़ रुकनी चाहिए। सभी लोग आदिवासी आज विश्व आदिवासी दिवस के दिन आप इसको सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं बल्कि जो आदिवासियों की व्यथा है इस प्रतिमा के माध्यम से आप सेलिब्रेट करने का आपका जो अर्थ है वो केवल नाचने गाने से नहीं होता है, अभिव्यक्ति है, ये अभिव्यक्ति है, ये आदिवासियत की अभिव्यक्ति है, उनके दर्द की अभिव्यक्ति है। उनको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि भारतवर्ष एवं संपूर्ण विश्व के लोग आगे आए और आदिवासियत के साथ जुड़े, आदिवासियत को बचाएं। अच्छा इधर आके आप बताइएगा ये प्रतिमा किसकी है? बिरसा मुंडा की प्रतिमा है? नहीं, आपने जो प्रश्न किया कि बिरसा मुंडा की है, शायद आपको बिरसा मुंडा जैसा लग रहे होंगे लेकिन ये आदिवासी व्यक्ति है। ठीक है। और ये इनके हाथ में तीर धनुष तो हमेशा देखा जाता है, जैसे कि हम लोग बिरसा मुंडा की प्रतीकात्मक प्रतिमा देखते हैं उसमें रहता है, लेकिन दूसरे हाथ में आपने बंदूक यहाँ पर दिखाया। देखिए आज सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे झारखंड में लोग कहते हैं कि लोग नक्सली हो गए, क्या हो गए, है ना, वो उग्रवादी हो गए। तो कहीं ना कहीं हर हद तक इसमें हम लोग जिम्मेवार हैं कि उनके हाथ में शस्त्र चला गया है। अच्छा। हम लोग उनकी संस्कृति, उनके जो अधिकार हैं हम अगर सुनिश्चित हो जाती है तो ये उग्रवाद ये सबको हम आराम से ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तीर धनुष उठाने वाले आदिवासी के हाथ में आज हथियार आ गया है, ये आप यहाँ पर इस तस्वीर में? हाँ हाँ, ये मैं दिखाना चाह रहा हूँ ये कि आदमी लोग हिंसक हो रहे हैं, हिंसा को त्यागनी चाहिए, है ना, लोगों के अधिकार को सुनिश्चित करें, विशेषकर आदिवासी अधिकार को सुनिश्चित करना चाहिए। इसमें राज्य सत्ता आगे आए, है ना, समाज के लोग आएँ, मीडिया कर्मी आएँ और उनके हक अधिकार के लिए वो भी आगे बढ़ें और उनके जो संघर्ष हैं उनको न्याय दिलाकर उन सब संघर्षों को ख़त्म किया जाए। तो ये इसको लेकर ये गाड़ी पूरा शहर में घूम रहे हैं कि? ये यकीनन ये शहर में ही हैं, हम रांची के शहर में हैं और ये जो अल्बर्ट का चौक जो है यहाँ का हार्ट है और यहाँ पे सभी लोग मिलते हैं और हम इसीलिए आए हैं। अच्छा, अभी यहीं पे रुकना है। बिल्कुल, ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि एक आदिवासी युवक की एक तस्वीर बनाई गई है प्रतीकात्मक तौर पे और यह बताने और जताने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से आदिवासियों के हाथ में तीर धनुष होता है लेकिन आज बंदूक उठाने पर वही आदिवासी मजबूर है। और इस प्रतिमा के साथ जो इनकी मांग है, 5वीं अनुसूची, खतियानी अधिकार और CNT SPT का जो मुख्य अधिकार है वो उन्हें मिलना चाहिए।
और ये गाड़ी लेकर पूरे रांची शहर में घूम रहे हैं और विश्व आदिवासी दिवस के दिन अपनी व्यथा को व्यक्त कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और सेलिब्रेट करने के साथ अपनी व्यथा इसी तरह बता रहे हैं, और हमने यही जरूरी समझा कि ये जो अनोखी तस्वीर है ये आप तक पहुंचनी चाहिए। अपने सहयोगी संजय के साथ सनी सारा, द फॉलो अप रांची। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।